एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है और अर्शन ला रही हूँ और दूध खा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं आलू का पराठा बनाना। तो सबसे पहले मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। मैंने 5-6 आलू लिया था क्योंकि मेरे यहाँ 4 लोग हैं और अर्श के लिए भी बनाती हूँ, लेकिन उसके मूड पे डिपेंड करता है कि वो खाएगी कि नहीं खाएगी। अगर खाना भी होगा तो थोड़ा बहुत खाएगी, एक आध दो बाइट खाएगी। आलू को इस तरह से हमें मैश करना है कि उसमें छोटे छोटे टुकड़े दिखे, ना तो बहुत ज़्यादा पतला मैश करना है ना तो जब बहुत ज़्यादा ही उसमें मोटे मोटे पीसेज हों। तो आलू को हमने मैश कर लिया और थोड़ा सा आलू मैंने निकाल लिया है अर्श के लिए, उसमें मिर्च वगैरह नहीं रहेगी। तो आलू में मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड किया है और ग्रीन चिली कटी हुई और धनिया पत्ता भी ऐड किया है मैंने, और साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है और ये है चाट मसाला और थोड़ा सा मैंने जीरा लिया हुआ है और थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है। इसमें चाहे तो हम लोग थोड़ा अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिलिंग हमारा बनकर रेडी है। अर्श के पराठे के लिए जो आलू रखी थी मैं, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा मैंने ये ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। ये सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके लिए पराठा तो बनाऊँगी लेकिन पता नहीं वो खाएगी भी कि नहीं खाएगी। बनाना तो ज़रूरी है ना बच्चों के लिए। तो ये देखिए मैं पराठा बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो सबसे पहले मैंने लोई लिया है और उसको इस तरह से मैं शेप दे रही हूँ। अब मैं इसमें फिलिंग को फिल करूँगी। अगर हम कोई भी पराठा बना रहे हैं तो उसकी फिलिंग अगर अच्छे से फिल करेंगे ना तो पराठे एकदम फूले फूले से बनते हैं और देखने में तो अच्छे लगते ही हैं, उतना खाने में भी अच्छे लगते हैं। लोई हमारी फिलिंग से भर कर रेडी है। अब इस लोई को हम अच्छे से घुमा घुमा कर सेव देंगे। ऐसे देख सेव लेने पे ना पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं, कहीं से फटते भी नहीं हैं और फूल भी जाते हैं तवे पे। अब हम पराठे को ना हल्के हाथों से बेलेंगे। पराठे का शेप है जो एकदम परफेक्ट है। अब हम इस पे तवे पर डाल देंगे। तवा हमने पहले से गर्म कर रखा है। अब गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अगर हम कोई भी पराठा बना रहे हों तो उसे अगर मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी भी बनते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं और अंदर से पक भी जाते हैं। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। तो मेरा पराठा एक साइड से सिक गया है और दूसरे साइड मैं उस पर रिफाइंड लगा दी हूँ। तो अब हम उसको पराठे को टर्न कर देंगे दूसरे साइड में
इस साइड भी मैं ऑयल लगा दूंगी। अब दूसरे साइड टर्न कर दूंगी। पराठा हमारा देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। आलू वाले पराठे बनकर रेडी हैं हमारे। इसको हम दही से या फिर बटर के साथ खाएंगे। और ये अर्स के पराठे हैं, तो अर्स के पराठे में मैंने बटर लगाया है क्योंकि अर्स को फिर मैं दोबारा उस पर बटर नहीं दूंगी पराठे के साथ में। और बाकी जो घर वाले हैं या तो दही के साथ खाना पसंद करते हैं या फिर बटर के साथ। अर्स का पराठा बनकर रेडी हो गया है। ये रहा मेरा और अर्स का प्लेट। मेरा तो प्लेट खाली हो जाएगा लेकिन अर्स का नहीं होगा। हम देखते हैं, वो शायद एक दो बाइट खा ले। अब नाश्ता मैं अपने रूम में ले आई हूँ क्योंकि अर्स जो है ना रूम में ही खाना खाती है। उसको शुरू से आदत हो गई है अपने रूम में बैठकर खाने का। और ये जैसा कि ये गवर्नमेंट क्वार्टर है तो यहाँ पे रूम छोटे छोटे हैं। यहाँ पे ना तो मैं चेयर रख सकती हूँ ना ही टेबल। और फ्रंट वाले रूम में वो खाती नहीं है तो इसकी वजह से हमें बेड पर ही खाना पड़ता है। ये रहा अर्स का पराठा जो कि उसने सिर्फ एक बाइट खाया था। ये देखिए, और ये देखो ये मम्मा से ना, ये देखो क्या कर रही है अर्स। इसको डांटना पड़े इसलिए ना मेरे से चिपक रही है ज़्यादातर कि ताकि मम्मा डांटे ना, क्योंकि एकदम नहीं खाई एक टुकड़ा। मॉर्निंग का टाइम है, बच्चा है, कुछ तो खा ले। ये देखिए, टीवी चल रही थी ना तो म्यूजिक चल रहा था, तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, तो मैंने वॉइस ओवर किया है। ये देखो सॉरी बोल रही, सॉरी मम्मा पराठा नहीं खाना मम्मा। और ये हाय हेलो बोल रही है सबको, हेलो हाय यही बोल रही थी। पराठा नहीं खाई है तो मैंने इसको बनाना दिया है। तो बनाना को मैं हमेशा ऐसे कट करके देती हूँ जैसे कि ये देखने में भी अच्छा लगता है और ऐसे ही अपने फोर्क से खा लेती है उठा उठा के। अपना बनाना खा रही है और उसकी मस्ती चल रही है स्टार्ट साथ में, कुछ बात कर रही है। हाँ उसको साथ में बोलना पड़ रहा है कि पापा आएंगे तो गाड़ी में लेकर चलेंगे, तुमको घुमाएंगे, बनाना खा लो, रेडी हो जाओ, सोना कपड़ा पहन के रेडी हो जाओ, तब जाके वो बनाना खाना स्टार्ट की है। आजकल बच्चे हैं ना जो खाते नहीं हैं, बस ये भी उन्हीं में से एक है। कुछ भी खिलाने के लिए बहुत कन्विंस करना पड़ता है। अपना टीवी में कार्टून देख रही है और मस्ती कर रही है, साथ में बनाना खा भी ले रही है। तो अब हम कल वाला ब्लॉग दिखाएंगे। कल मैं मार्केट गई थी सब्जी लेने। सब्जी तो थी ही, एक दो सब्जी थी घर में क्योंकि वीकेंड आने वाला, तो वीकेंड पे सिर्फ सब्जी से काम नहीं चलता है, घर में और कुछ भी बनाना पड़ता है। तो वही हम लोग जा रहे थे सब्जी लेने।
हम लोग दूसरी कॉलोनी में जा रहे हैं, वहाँ पे आज मार्केट लगता है सब्जी वाला, तो वहीं पे जा रहे हैं। अपनी कॉलोनी में सब्जी ज़्यादा फ्रेश नहीं दिख रही थी, तो सब्जी क्या सब्जी एक दो लेनी है क्योंकि वीकेंड आ रहा है, तो सिर्फ सब्जी से तो काम चलेगा नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो मैंने रास्ते में थोड़ा सा सूट कर लिया था। पर्स को हम लोग घर में ही छोड़ दिए हैं, और वो दादी देख लेंगी उसको। बस हम लोग मार्केट पहुंचने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग आलू लिए हैं। आलू जरूरी होता है, इकट्ठा रख लेते हैं घर में तो सही रहता है। आलू कितना है? लिए हैं, अभी गार्लिक लेना है, और ऑनियन तो ठेला वाला घर पे आया था तो ले लिए थे। तो ये जो तीन चीज़ें होती हैं ना, वो तो ज़रूरी होती हैं, क्योंकि घर पर इकट्ठा रख जाता है तो काम आता है। और मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि एक हाथ में कैमरा लेकर सब्जी लेना पॉसिबल तो होता नहीं है। तो अगर मेरी ब्लॉग आप लोग को पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइज।